हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आप लोग बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि ब्रेक पैड्स तो मैंने इंटरसेप्टर के लगवा लिए, लेकिन रिव्यू वीडियो नहीं डाला। तो गाइज़, आज मैं आ गया हूँ आपके साथ इन ब्रेक पैड्स का रिव्यू लेके। तकरीबन 500 से 700 किलोमीटर मेरी बाइक ब्रेक पैड्स लगने के बाद चली है। तो गाइज़, आज इसका पूरा रिव्यू करता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। बट उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, ब्रेक पैड मैंने पीछे लगवाए इंटरसेप्टर वाले, मिटियोर के ब्रेक पैड्स 200-250 रुपए के, इंटरसेप्टर के 2,000-2,200 रुपए के। तो क्या फ़र्क आया मुझे? तो गाइज, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 80% मेरी जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है पहले से। गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मेरा बढ़ गया है, क्योंकि देखिए, वो नॉर्मल ब्रेक पैड्स थे और ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये सेरामिक ब्रेक पैड्स हैं। तो इन दोनों का जो एक मेजर फ़र्क होता है, वो सबसे बड़ा फ़र्क ही यही होता है कि इनकी जो ग्रिप है डिस्क के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वंस। तो अब मैं आपको काम करता हूँ, मैं आपको नॉर्मली लाइव दिखाता हूँ, और एक मज़ेदार काम ये करूँगा कि मैं वीडियो में आपको ब्रेक्स मार के दिखाता हूँ। तो आइए एक बार शुरू करते हैं, मैं उधर से जाता हूँ। और प्लीज़ गाइज, ये हमारी सोसाइटी का प्राइवेट रोड है, एक बार आप लोग देख लो, ये हमारे सोसाइटी का प्राइवेट रोड है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर का रोड है। तो मैं अब आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ ब्रेक्स का कितना फ़र्क आया है। तो गाइज, अब मैं इधर से उधर जाके और फिर वापस आता हूँ, विवेक आप ब्रेक्स का लाइव दिखाना। मैंने तकरीबन 65 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ली थी, और उसके बाद मैंने ब्रेक्स को इंस्टेंट अप्लाई किया। ये देखिए, ना तो गाड़ी स्टेट हुई, मैंने ब्रेक्स अप्लाई की यहीं पे। मैं यहाँ से बहुत पीछे से ब्रेक अप्लाई नहीं करें, बिल्कुल इंस्टेंटली ऑन द थंब यहाँ पे आके मैंने ब्रेक्स अप्लाई करें। और आपको एक और काम करता हूँ, सामने से एक बार मैं फिर से वापस आता हूँ, इस बार सिर्फ पीछे के ब्रेक लगाऊँगा, आगे का ब्रेक नहीं लगाता। देखते हैं क्या फ़र्क है। मोटर एक्टिवेट होती है, और ये देखिए गाड़ी को स्किट होने से रोक रही है। ये देखिए 20-25 की स्पीड में भी एबीएस मोटर एक्टिवेट हो रही है और बार बार गाड़ी को स्किट होने से रोक रही है। जैसा कि आपको पता है कि एबीएस मोटर का काम ही यही होता है कि गाड़ी को जो है डिसबैलेंस होने से, स्किट होने से रोके। तो एब्सोल्युटली ये ब्रेक पैड्स मेरे हिसाब से 100% वर्थ इट है, इसको लगवाइए और अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर करवाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और बोलूँगा कि इन ब्रेक पैड्स को लगाने के बाद मुझे एबीएस एक्चुअली में और ज़्यादा एक्टिवली काम करता दिख रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इतनी सी डिस्टेंस में पहिया लॉक हो रहा था, ये देखिए
पहिया लॉक होना शुरू हुआ, मैंने सिर्फ पीछे वाला ब्रेक लगाया था, पहिया लॉक हुआ रिलीज़ हुआ मल्टीपल टाइम्स, तो यानी कि गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स एंड एबीएस मोटर का जो एक्चुअल वर्क है वो यहाँ पे हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।